भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने जमकर चलाया लाठी डंडे व ईंट पत्थर। सूचना पर मौके पर पहुंची रामसनेही घाट पुलिस। आधा दर्जन से अधिक लोग मारपीट में हुए घायल। सभी घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को किया जिला अस्पताल रेफर। रामसनेही घाट इलाके के मऊ गांव में जमीन पर कब्जेदारी को लेकर हुआ विवाद। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला है मारपीट का? मामला ये है कि हमारे और बिजकिशोर राजकिशोर के मध्य जो है जमीन का विवाद बंटवारे को लेकर लगभग 25-30 साल से यहाँ तहसील रामसनेही घाट में चल रहा है। आज मारपीट किस कारण से? आज मारपीट वो आए और जो है जहाँ पे रास्ता और मेरी बैनामा खरीदा हुआ रामबली का घर है वहाँ पे आके खोदने लगे, न्यू करने लगे। उसमें मुख्य थे बिजकिशोर, राजकिशोर, भवानी दीन और उनका लड़का विनय कुमार और आदि, मतलब 150-200 आदमी था जिनको हम जानते भी नहीं। वो लोग आए न्यू खोदने लगे। मेरी माता जी गई वहाँ पे और उन्होंने कहा भैया ये जमीन अभी बंटवारा नहीं हुआ, अभी न्यू ना खोदो, जब होगा हमारे घर में शादी है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने मेरी माता जी को मारने लगे। तब हम लोग दौड़े, उसमें जो है ये जो और व्यक्ति हैं जैसे कि भिगुराज हैं, हिमांशु मोहन हैं और भिगुराज। कितने लोग तुम्हारी तरफ टोटल घायल हैं? लगभग 10 आदमी हमारी तरफ से घायल है। कुछ लोग बीच बराव करने गए, सबको उन्होंने मारा पीटा। किस चीज से मारे हैं? इसमें फावड़ा भी था, कुल्हाड़ी भी लिए थे, डंडा, लाठी, ईंटा, गुम्मा, सब चीज से वो जिससे पाए उससे मारे। वो इंटेंशन इसी से आए थे कि इन सब लोगों को मारा जाए। 150-200 आदमी ऐसे नहीं वो इकट्ठा करके। पुलिस पहुंची थी मौके पर? पुलिस पहुंची थी लेकिन जब तक काफी लोग घायल हो चुके थे। पुलिस पहुंची थी।